भैया कभी सूरत आए हो? चलो ये कहो कि पिछले कुछ सालों में सूरत की बदलती सूरत देखी है? अरे देखने से तो लगता है कि गुजरात बने ना बने सूरत जरूर शंघाई बन जाएगा। और तभी तो सूरत में आपको अपने सपनों का घर दे सके ऐसे कई रास्ते खुल गए हैं। आपके सपनों की चाबी लेके कई ऑप्शन तैयार खड़े हैं। आप में से ही एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है ये हमारे अग्रवाल जी। इनके बस दो ही सपने थे, एक तो दो फूल जैसे बच्चे हों और दूसरा कि अपना खुद का सुंदर सा एक घर हो। भगवान की दया से पहला सपना तो शादी के 5 साल में ही पूरा हो गया था, पर दूसरे सपने को पूरा करने में इतना समय निकल गया कि वो दो फूल जैसे बच्चे पेड़ हो गए। आखिर अग्रवाल जी को मिला कुदरत के सानिध्य में सुख सुविधा से भरपूर एक मॉडर्न लिविंग प्लेस। फिर तो घर के सारे लोग स्कीम के गुणगान गाने लगे, बात बात पे घर की ही बात। लोगों को पता तो चलना चाहिए ना कि अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना अप हो गया है। वो कहते हैं ना, नहीं मनुष्य बलवान भाई समय बड़ा बलवान। और इस बलवान समय ने अग्रवाल जी के घर पे बड़ा असर दिखा दिया। अचानक अग्रवाल जी का खूबसूरत सपना डरावना दिखने लगा। लिफ्ट की हालत खस्ता हो गई और पैसे तो जैसे गंदगी का ढेर लगने लगा। गार्डन को देखते ही जंगल की याद आने लगी और बिल्डिंग के हुए हाल देखकर एंटीक इफेक्ट आने लगी। वैसे तो इस असर के जिम्मेदार अग्रवाल जी खुद और आसपास के रहने वाले भी थे, क्योंकि कहीं पर भी कचरा फेंकना, गार्डन, पार्किंग, लिफ्ट के रख रखाव पर ध्यान न देना और चीजों को संभाल के इस्तेमाल ना करना, वो तो जैसे हमारी पुरानी आदत हो चुकी थी। अग्रवाल जी जैसे लोगों की इन्हीं तकलीफों में सहारा बनता है संगिनी ग्रुप। संगिनी यानी जो आपका साथ दे, आपके साथ रहे। अपने इसी नाम पर खरा उतरेगा संगिनी ग्रुप। बिल्डिंग मेंटेनेंस में आपकी मदद करेगा संगिनी ग्रुप। वैसे काम आपका और सोसाइटी का है, पर उसे करने के जरिए देगा संगिनी ग्रुप। और हाँ, संगिनी ग्रुप का नाम है तो बेस्ट मटेरियल और टॉप क्वालिटी, ये सब कहने की जरूरत तो होगी ही नहीं। वैसे भी भैया मोदी जी ने इतनी बड़ी स्वच्छ भारत की मुहिम छेड़ी है, तो अपना भी उसमें सहयोग देने का कुछ फर्ज तो बनता ही है। तो भैया फैसला आपके हाथ में है, आपको अग्रवाल जी की तरह बाद में घर को देख देख कर चलना है या संगिनी के साथ में चलना है।